देखिए मेरे सामने अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तोरपा विधानसभा के प्रत्याशी श्री विल्सन भेंगरा जी मौजूद हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और बहुत सारा चीज़ जैसे मन में सवाल है जिसे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार सबों को जोहार। बहुत ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो आपसे परिचय नहीं हुए दादा, तो आप एक सामान्य परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने नाम बताऊँगा, सबसे प्रमुख वही होता है। मैं विल्सन भेंगरा डोड़मा महुआ टोली का निवासी हूँ। इससे पहले मैं प्रशासनिक सेवा में था और राज्य के विभिन्न पदों पर करके मैंने सेवानिवृत्ति ले लिया है और तब से मैं इस कार्य में, इस सामाजिक कार्य में मैं लग गया हूँ, ताकि लोगों का जो बेसिक समस्या है जिससे रूबरू लोग जीवन के हर समय उनको पड़ता है, उन ऐसे समयों जो सबसे जटिल समस्या है मैंने चुनकर उठाया है, खासकर भू संबंधी समस्या जिससे लोग इतने त्रस्त है कि वो दर दर भटकते हैं। लेकिन उनका, चूँकि हमारा जो आधार है वो खतियान है और बिना खतियान के किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं होती है। हम अगर ST SC OBC समाज से आते हैं तो खतियानी आधार है हमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने का, एक तो खतियान है, खतियान में आपकी जाति का उल्लेख है, आपको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा और यहीं से आपकी जीवन की गाड़ी प्रारंभ होती है, चाहे वो स्टाइपेंड लेने की बात हो, चाहे वो नौकरी में आरक्षण लेने की बात हो, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जानकारी के अनुसार आप झारखंड के मंत्रियों के खास अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में ही आना क्यों पसंद किए दादा? पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है, लेकिन मैं इस राज्य के दो दो मंत्रियों का मैं सलाहकार रहा हूँ और एक अनुभव का कारण और सबसे बड़ा कारण था कि जितने मुझे ज्ञान है और साथ ही अगर मुझे शक्ति प्राप्त हो जाए जो जनमानस यहाँ की चाहती थी और लोगों को प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कम से कम यहाँ के लोगों के प्यार के माध्यम से विधानसभा पहुँच सकूँ, चूँकि यहाँ की बातों को, यहाँ की जटिल समस्याओं को मैं प्रमुख रूप से सदन में उठा सकूँ। दादा देश में कई बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं दादा, तो अब झारखंड में एक छोटा सा पार्टी का है और इसमें ही आना क्यों पसंद किया? बात विचारधारा की है। जो मूल समस्या जो आप देखेंगे JLKM का जो संकल्प पत्र कहते हैं या घोषणा पत्र जिसे भी आप कह सकते हैं, हम लोग ये पार्टी वादा करने पर विश्वास नहीं करते। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो 70 बिंदु का जो हमारा घोषणा पत्र हमारे अध्यक्ष महोदय ने रिलीज़ किया है, आप अगर उसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय पूरे झारखंड राज्य में घूम घूम कर इन बातों को रख रहे हैं और प्रमुखता से रख रहे हैं और इन्हीं 70 बिंदुओं पर हम लोग बिंदुवार और प्राथमिकता के आधार पर हम इसका समाधान करने का संकल्प लेते हैं। तोरपा विधानसभा में दादा आप सीधे JMM और BJP से चुनौती है, तो इसका आप किस तरह से आप अपने हिसाब से करिएगा? चुनौती, चुनाव का समय है इसलिए चुनौती, चुनावी दंगल में हम लोग हैं, लेकिन आप बचपन से ही, आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा लिखते हैं, खेल का मैदान होता है, आपके सामने हमेशा एक विपक्ष होता है, तो अब चूंकि खेल के मायने बदल गए हैं, हम खेल जीतने के लिए खेलते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए जीतते हैं, इसी मोटो के साथ हम आज मैदान पर हैं, ये नहीं देखते हैं कि सामने विपक्ष कौन है, हमें परफॉर्मेंस पर विश्वास होता है, हम अच्छे परफॉर्म करेंगे तो हमें विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है। कई महीनों से जो है आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपके नज़र में क्या क्या समस्या अभी सामने आ रही है? जो मूलभूत समस्या इस ग्रामीण इलाकों का है वो है कि एक तो पलायन है, चूँकि स्कूल स्तर से ऊपर कोई भी यहाँ शिक्षण संस्थान नहीं है, कोई भी टेक्निकल एडुकेशन की संस्थान नहीं है, जिससे कि हमारे युवा मजबूर होते हैं बाहरी प्रदेशों में या फिर इस राज्य के राजधानी में जाकर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आर्थिक रूप से हम कमज़ोर भी हैं, चूँकि हम सिर्फ फसल पर निर्भर हैं और वो भी मौसमी फसल पर, हम बारह मास खेती नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके कई कारण हैं, कभी कभी मानसून धोखा देती है, कभी हमारी ज़मीन में पटवन ठीक से नहीं हो पाता है, और सिर्फ यही नहीं, MSP जो सपोर्ट इनको मिलना है, जो वैसे गुड्स जो खराब जल्दी होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, कहने का मतलब है वो वैसे प्रोडक्ट जो जल्दी ख़राब होते हैं उनको हमें स्टोरेज देना होता है, मार्केटिंग उपलब्ध करना पड़ता है, वैसे ही बातें बहुत ज़्यादा है, बहुत फेरिस्त, लंबी फेरिस्त है, सड़क, बिजली, आवास ये पिछले 75 सालों से मिल रहा है,
लोगों को मिलेगा, आगे भी बनता रहेगा सड़कें। बस कुछ ऐसे मूलभूत सेवाएं हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद उठाना नहीं चाहा या उठान या शायद एक उचित प्लेटफॉर्म पर इसको नहीं रख पाए। तो मेरा बस यही है, मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, समय कम है, लेकिन मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे पता है। अगर मैं आपके बीच चुना जाता हूं तो मैं कोई वादा नहीं करने पर विश्वास करता हूं, मैं अन्य लोगों की तरह वादा नहीं करूंगा। अगर मैं वादा करूंगा तो मैं झूठ बोलूंगा, मैं प्राथमिकता तय करूंगा, उसके बाद मैं लोगों का कार्य का निष्पादन करता रहूंगा। तथा प्रत्येक नेता जो हैं वो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, मैं कोई वादा नहीं करूंगा। मैं अपने सभाओं में, मैं ग्रामीण इलाके में जा रहा हूं, लोग मुझसे सर अब क्या करिएगा, मैंने कहा अगर मैं वादा करूंगा मैं झूठ बोलूंगा। मैनिफेस्टो में 70 बिंदु हैं, स्पेशली खतियान से संबंधित मामला है जो मैं पहले भी उल्लेख कर चुका है, लेकिन उसके अतिरिक्त और जितने बिंदु हैं, लोगों की नौकरियों की, प्राइवेट संस्थान की ही नौकरी क्यों ना हो, सही, सरकारी नौकरी सीमित है, सबको नहीं मिल सकता, बट ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां हमारे बच्चे टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करके इन स्थानों पर जाके नौकरी कर सकते हैं। और मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि एक बार अगर मेरे जनता का प्यार मुझे मिलता है तो मैं लोगों को निराश नहीं करूँगा। अंतिम में दादा और एक सवाल, तोरपा विधानसभा के आम जनताओं को आपकी तरफ से क्या कुछ संदेश रहेगा? पहले तो सबसे पहले तोरपा की जनता को आने वाले छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ, सुंदर और अच्छे तरह से रखे, संभाल के रखे। तोरपा के जनताओं से बस मेरा यही प्रार्थना है कि आपने 75 साल से ना जाने कितने लोगों को मौका दिया है, आप स्वयं एक बार सवाल करिएगा उनसे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, और एक बार मुझे आप अवसर देके, मैं सवाल नहीं, मैं सवाल का सिर्फ जवाब दूंगा आपको, मैं सवाल देने करने का अधिकार देता हूं, आप मुझे चुनकर भेजें, मैं आपके सवालों का, हर सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले खबर